नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में संचालित अवैध डिपो पर खनन अधिकारियों ने की छापेमारी, पत्थर माफियाओं पर दर्ज होगा मुकदमा। पुलिस जिला नवगछा में अपराधी बेखौफ, दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, हालत गंभीर। आपसी विवाद के कारण पिता ने दो बच्चों की पीट पीट कर की थी हत्या, एसपी ने किया मामले का खुलासा। भोलानाथ फ्लाईओवर में पहुंच पथ की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने डीएम कार्यालय का किया खिलाफ, कहा मांग नहीं हुई पूरी तो करेंगे उग्र आंदोलन। और गायकनोलॉजी सोसाइटी का 3 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन 11 नवंबर से होगा शुरू। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के पीरपैती अंतर्गत ईशीपुर एवं पीरपैती थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर चल रहे अवैध डिपो पर मंगलवार की देर शाम को खनन विभाग के पदाधिकारियों के साथ कहलगांव अनुमंडल पदाधिकारी मधुकांत और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवानंद सिंह ने पुलिस बल के साथ छापेमारी की। इस दौरान पदाधिकारियों को 9 डिपो में से महज 2 डिपो ही लाइसेंसी मिला, जबकि बाकी डिपो अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे और अधिकतर जगहों पर संचालक भी गायब था। वहीं छापेमारी टीम ने अलग अलग जगहों पर अवैध रूप से चल रहे भंडारित पत्थर सामग्री की फोटो एवं वीडियोग्राफी की। इसको लेकर कहलगांव अनुमंडल पदाधिकारी मधुकांत ने कहा कि जांच के बाद अवैध पाए गए अवैध पत्थर व्यवसायियों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जबकि जुर्माना वसूल करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्रोतों से अवैध पत्थर कारोबार की लगातार सूचना मिल रही थी और भागलपुर गोपनीय शाखा के प्रभारी पदाधिकारी ने भी जिला खनन पदाधिकारी को पत्र लिखकर अवैध रूप से चल रहे पत्थर डिपो पर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद कार्रवाई तेज कर दी गई है। हालांकि उन्होंने पदाधिकारियों की कमी की बात करते हुए कहा कि इसके कारण खनन विभाग द्वारा अब तक छापेमारी नहीं की जा सकी है, जबकि इस मामले में कार्यवाही नहीं करने को लेकर 2 खनन इंस्पेक्टर से स्पष्टीकरण भी पूछा गया था। साथ ही कहा कि नए खनन निरीक्षकों की पदस्थापन के बाद जिला खनन पदाधिकारी कुमार रंजन ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को लेकर अवैध डिपो संचालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। डिपो नहीं, मतलब बेसिक है कि कुछ लोगों के पास लाइसेंस है और बहुत सारे गैर लाइसेंसी भी लग रहा है हम लोग को, जो जहाँ पे डंपिंग ग्राउंड टाइप का बनाए हुए हैं। तो हम लोग बस देख लिए हैं कि कहाँ कहाँ क्या स्थिति है, सब जगह देख ली। मोटा मोटी 8 या 9 है शायद, 9 लोकेशन पर समझिए एक तरह का रेड किए। उसमें से एक दो जो था वो लाइसेंसी थी। अच्छा, तो कई लाइसेंस धारक की भी स्थिति एकदम सिंपल नहीं है। अच्छा, मतलब है कि उसमें जो कंडीशंस हैं, मतलब जो गाइडेंस है वो उनको फॉलो नहीं कर रहा है। कंडीशंस में कुछ कमी है, लेकिन एक जगह तो ठीक ठाक भी था, बाकी जगह तो बिना लाइसेंस के ही दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई लोग मिले नहीं, अधिकांश जगह कोई नहीं मिले। अच्छा, तो हम लोग ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये लाइसेंस इनके पास नहीं है। जो जितना वहाँ पे डंप पाया गया है उनके अगेंस्ट अगर लाइसेंस नहीं होगा तो फाइल भी किया गया है, अगर लाइसेंस होगा तो फाइन का प्रोविजन है, अप्रोप्रिएट फाइन भी किया जाएगा कि वो किस लाइसेंस के कंडीशंस का उन्होंने। पुलिस जिला नवगछा के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तीनटंगा करारी में दिन दहाड़े एक व्यक्ति को 3 गोली मार दी गई, जिससे कि वह बुरी तरह से घायल हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान 45 वर्षीय राम जतन यादव के रूप में हुई है, जिसको गोली कुख्यात सोनू यादव द्वारा मारी गई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि घायल राम जतन यादव मुख्य सड़क से अपने घर की ओर जा रहा था, तभी घात लगाए अपराधी सोनू ने उसका पीछा करते हुए उस पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि अपराधी ने उनको 3 गोली मारी है, जिसके कारण वह चेत होकर जमीन पर गिर गए। वहीं गोली की आवाज से पूरा गांव में हड़कंप मच गया, जबकि गोलीबारी की आवाज सुनकर लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को वहां से उठाकर उसे इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मायगन अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही गोपालपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। इधर घटना को लेकर ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि कुख्यात सोनू यादव और रामजतन यादव के बीच कोई पुरानी रंजिश को लेकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। बैठा था गांव में, आग उसे मार दिया,
क्या गोली मारा? तीन गोली मारा। किसी कोई झगड़ा देखो तो था क्या? किसी झगड़ा भी था? नहीं नहीं सर, झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं हुआ। क्या करते थे? खेती गृहस्थी। आप कौन हो भाई है? क्या नाम है आपका? राजीव जाधव। पुलिस जिला नवगछिया के बिहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनबरसा में कुछ दिन पूर्व दो बच्चों को लहूलुहान कर मौत के घाट उतारने एवं एक बच्ची और महिला को गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया था, जिसका खुलासा नवगछिया एसपी शांत कुमार सरोज ने कर दिया है। घटना 3 नवंबर की है, जब एक बंद कमरे से भूपेंद्र दास, उसकी पत्नी और उसके 3 मासूम बच्चे खून से लथपथ मिले थे, जिन्हें इलाज के लिए माइग्न अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबकि एक बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद एक बच्चे की मौत इलाज के दौरान हो गई। बताया जाता है कि महिला के पति भूपेंद्र दास ने ही अपनी पत्नी एवं बच्चों को पीट पीट कर घायल कर दिया था, जबकि इलाज के दौरान दो बच्चे की मौत हो गई। इसकी पुष्टि खुद भूपेंद्र दास ने करते हुए बताया कि इस तरह की घटना को अंजाम देने का कारण आपसी विवाद है। साथ ही कहा कि घटना के दिन भी उसकी पत्नी और उसके बीच आपस में विवाद हुआ था, जिसके कारण भूपेंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे की खूब पिटाई कर दी, साथ ही उसने खुद भी अपना सर फोड़ लिया था। घटना घटी थी बिहपुर में। एक ही परिवार में जानकारी मिला कि पति पत्नी और बच्चे सभी जख्मी हैं, तो तत्काल लोकल थाना पुलिस थी बिहपुर, उन लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए भेजा गया। मायागंज में इलाज क्रम में उसके दो बच्चे की मृत्यु, जो 2-3 साल का था, दोनों की मृत्यु हो जाती है। और मैं खुद भी वहाँ घटनास्थल पर गया था। लोगों से जो पूछताछ हुई उसमें बात ये सामने आई थी तत्काल कि पति पत्नी में आपसी कलह बहुत 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 था, या आपसी कलह न, और आए दिन आपसी लड़ाई मारपीट दोनों पति पत्नी करते रहते थे। और चूंकि उसमें सभी बेहोश था, जो पति पत्नी दोनों बेहोश था, क्योंकि लोगों ने बताया कि, और उसकी माँ थी और एक छोटा बेटा था, वो भी हमें बताया कि पिताजी ही नहीं, मेरे मम्मी को और अन्य भाइयों को जख्मी किया है। तो बेटा भी, जो बड़ा बेटा है, वो मुश्किल से मैं समझता हूँ कि 7 या 8 साल का होगा, उसने बताया था कि पिताजी ने ही मम्मी को और बच्चों से जख्मी किया है। भोलानाथ पुल फ्लाईओवर स्ट्रक्चर संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व और पश्चिमी क्षेत्र के लोगों के लिए भी पहुंच पद दिए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे समिति के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह भोलानाथ पुल फ्लाईओवर ब्रिज से उत्तर और दक्षिण बालों को सुविधा होगी, ठीक उसी तरह पूर्व और पश्चिम बालों के लिए भी पहुँच पद की व्यवस्था दी जाए, जिससे करीब 5 लाख की आबादी वाले गाँव और शहरी लोगों को आने जाने की सुविधा होगी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भोलानाथ पुल पर फ्लाईओवर बनना अच्छी बात है, लेकिन पहुंच पथ नहीं होने से पूर्वी क्षेत्र वालों के लिए पुल का कोई लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो यह प्रदर्शन आगे भी किया जाएगा। ये जो टेंडर होने वाला है, तो टेंडर होने वाला है तो उसमें डिंगसन मोड के तरफ पहुँच पथ और इसाक चक रोड के तरफ पहुँच पथ दिया जाए, ताकि ये जो फ्लाईओवर बन रहा है उसकी उपयोगिता साबित हो। नहीं तो अगर ये दो अप्रोच पथ नहीं दिया जाता है तो पता चलेगा कि इस फ्लाईओवर का कोई औचित्य ही नहीं है। यह है कि फ्लाईओवर में पूरब की ओर और पश्चिम डिक्सन रोड की ओर ये पहुंच पथ नहीं दिया जा रहा है, जबकि जन आंदोलन के दबाव के आगे पिछली सरकार में मंत्री रहे नितिन नवीन जी द्वारा यह घोषणा किया गया था और आश्वासन दिया गया था कि हमें पहुंच पथ दिया जाएगा, लेकिन इंजीनियर्स के गलत रिपोर्ट जिस भी कारण से हो, यह पहुंच पथ आज हमको नहीं दिया जा रहा है। तो यह स्वतः समझा जा सकता है कि बिना पहुंच पथ के इस फ्लाईओवर की क्या उपयोगिता रह जाती है। बिहार झारखंड के एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स पेडियाट्रिक सोसाइटी का 9वां 3 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन 11 से 13 नवंबर तक भागलपुर में मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित किया जाएगा। वहीं इसको लेकर इससे जुड़ी तैयारी की जानकारी बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर रेखा झा समेत कई महिला चिकित्सकों ने दी। डॉक्टर रेखा झा ने बताया कि अधिवेशन के दौरान कार्यशाला, वैज्ञानिक सदस्य समेत कई कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट शामिल होकर अपने अनुभव और रिसर्च से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को डॉक्टर प्रतिभा सिंह एवं डॉक्टर अनुपमा सिन्हा समेत कई महिला डॉक्टरों ने भी संबोधित किया। ये उद्देश्य है कि हमारे भागलपुर में
AOGSBJ का 9th अधिवेशन होने जा रहा है, 9वां अधिवेशन। AOGSBJ का मतलब है एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज़ ऑफ बिहार एंड झारखंड। तो इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत ही बड़ा अधिवेशन है जिसमें सारे बिहार और झारखंड के डॉक्टर्स गायनिक के सम्मिलित होंगे, और इसमें हमारे यहाँ बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं स्पीकर्स, जिनमें प्रमुख हैं डॉक्टर माधुरी पटेल जो कि हमारी सेक्रेटरी जनरल हैं, और डॉक्टर बासव मुखर्जी, और हम लोग होस्ट में सबसे प्रमुख हैं डॉक्टर रंगीला सिन्हा मैडम, जिनके इनिशिएशन पे ये सारा चीज़ हुआ है। सर्जरी और वजाइना सर्जरी, सर्जरी के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं बाहर से, डॉक्टर निकिता तैनात हैं, और जो डिफ़िकल्ट वजाइनल सर्जरी होती है उसका भी वर्कशॉप हुआ। इसके अलावा पोस्ट लंच सेशन में अल्ट्रासाउंड वगैरह का ट्रेनिंग के लिए, ये तो वर्कशॉप के लिए हुआ। उसके बाद 12th और 13th को साइंटिफिक सेशन होगा जिसमें नए नए टॉपिक पर डिस्कशन होगा। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंकेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। Hotel Apollo. Here every cubic space is a miracle. ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर बुधवार को भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय की ओर से ADR भवन में प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डालसा द्वारा चलाए जा रहे एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन थ्रू लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन के तहत आयोजित किए गए प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्र, सचिव ज्योति कुमारी, ADJ प्रथम अरविंद कुमार शर्मा और ADJ तृतीय रोहित शंकर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान नालसा की ओर से चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं के साथ डालसा और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए बैनर्स, पंपलेट्स एवं डिस्प्ले की प्रदर्शनी लगाई गई। जिला जज समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने अलग अलग कमरे में लगी प्रदर्शनी और स्टॉल को देखा और लोगों को जागरूक होकर डालसा समेत अन्य योजनाओं का लाभ लेने की बात जरूरतमंद और से कही। बता दें कि कार्यक्रम में ICDA, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि एवं मत्स्य विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान, श्रम विभाग और उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों और न्यायिक पदाधिकारियों ने जीविका दीदी की ओर से लगाई गई खाद्य पदार्थ एवं सिल्क के कपड़ों की प्रदर्शनी को देखा। वहीं कार्यक्रम को लेकर डालसा सचिव ज्योति कुमारी ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उन्हें निःशुल्क न्याय सके और उन्हें जागरूक कर उनके अधिकारों की भी जानकारी दी जा सके। साथ ही डालसा सचिव ज्योति कुमारी ने कहा कि 12 नवंबर को इस साल का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जा रहा है जिसकी तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के आधार पर वाद का निष्पादन कराया जाता है और इसमें तमाम तरह के लंबित सुलहनीय वादों का निपटारा न्यायिक पदाधिकारी के समक्ष आपसी सहमति से किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर लोग अपने लंबित मामलों से छुटकारा पा सकते हैं। सेवा दिवस है जो हर साल मनाया जाता है 9 नवंबर को, ऐसा भी मनाया गया है 27वीं वर्षगांठ की। तो ये नालसा और बालसा के निर्देश पर हमारा आयोजन किया गया जिसमें नालसा के जितने भी स्कीम्स हैं उनको बताया गया, उनका स्टॉल लगाया गया जिससे जो गरीब वर्ग के जो निःशक्त हैं उनको ये प्रोवाइड किया गया, और उसके अलावा सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं उनका भी स्टॉल लगाया गया जैसा कि जीप का कार्यक्रम हुआ, और उसके अलावा बाल गृह से भी और कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग,
सभी का स्टॉल लगाया गया। शहरी इलाके में लगातार डेंगू मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि को लेकर जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा जागरूकता रथ निकाला गया, जो शहर के सभी मोहल्ले में जाकर डेंगू से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करेगा। वहीं इस दौरान टीम को शहर के हर मोहल्ले में डेंगू के मरीज मिले, जबकि शहर का कई मोहल्ला डेंगू का हॉटस्पॉट बना हुआ है। इसमें सुर्खी कल सच्चिदानंद नगर और कुप्पा घाट मोहल्ले शामिल है, जहाँ हर मोहल्ले में 4 से 5 डेंगू मरीज मिले हैं। फिलहाल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में 22 डेंगू के मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि इसके लिए सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। सीएस ने सोसाइटी के द्वारा किए जा रहे इस कार्य की सराहना करते हुए आम लोगों से कहा कि अपने आसपास पानी नहीं जमने दिया जाए, जिससे डेंगू की संभावना को दूर किया जा सके। अभी हमारे भागलपुर शहर में तकरीबन हर मोहल्ले में डेंगू केसेस हैं, और कुप्पा घाट, सच्चिदानंद नगर और सुर्खी कल, इसमें 4-5 के करीब हर तीनों जगह मरीज हैं। 22 मरीज मायागंज में भर्ती हैं, तो तकरीबन अस्थिर है, कम नहीं हो रहा है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मैं कल स्वयं कुप्पा घाट में जाकर मैंने स्प्रे कराया, और हर जगह मैं टेमीफॉस का स्प्रे करा रहा हूँ, फॉगिंग भी चल रही है। तो लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। दिन में इसका मच्छर काटता है, मच्छरदानी में रहें, रिपेलेंट लगावें, और अपने आसपास पानी जमा, साफ पानी जमा होने नहीं दें। ऐसा है कि जैसा कि जानते हैं कि डेंगू पूरा फैला हुआ है, और इस साल, इस समय हर साल होता है, और इसके लिए डेंगू का इलाज नहीं है। जैसे मलेरिया टाइफाइड का है, उस तरह से डेंगू का इलाज पक्का नहीं है, इसीलिए इससे बचाव ही उपाय है। और बचाव में दो चीज़ें हैं, एक मच्छर को पनपने नहीं देना है उसके लार्वा को, और दूसरा है कि वो काटे नहीं। तो पनपने नहीं देने के लिए आप जानते हैं, अभी सिविल सर्जन साहब ने भी कहा कि जहाँ भी साफ पानी, ये साफ पानी में पनपता है, जहाँ भी पानी जमा हो, कूलर में हो, टूटे बर्तन में हो, बालकोनी में हो, गमले में हो, तो उसको पानी को आप हटाते रहिए, डेली उसको रिमूव करिए, तो पनपेगा नहीं। दूसरा, काटने नहीं पाए मच्छर, तो इसके लिए एक मच्छरदानी भी। जिला राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर की ओर से मंगलवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री के 33वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव के नेतृत्व में भागलपुर स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। वहीं इस दौरान राजद जिलाध्यक्ष ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के लंबी उम्र की कामना करते हुए कहा कि करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। तेजस्वी यादव ने काफी कम उम्र में बिहार की राजनीति में उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि बिहार प्रदेश के दलित, शोषित, पिछड़ा समाज के साथ सभी जाति धर्म के लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है, इसके बल पर वो जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। वहीं कार्यक्रम में नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी, बिहार बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणि, हिमांशु प्रदेश महासचिव देवेंद्र प्रसाद मोदी, पूर्व सांसद प्रतिनिधि संजय यादव, अमर यादव समेत काफी संख्या में राजद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार के उप मुख्यमंत्री और हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल के नेता परम आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, उसका आज पूर्व संध्या पर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल, जिला राष्ट्रीय जनता दल का पूरा परिवार आज पूरा मिठाई बांटकर उनके जन्मदिन के पूर्व संध्या पर लोग उनको बधाई और दीर्घायु होने का हम लोग कामना करते हैं। पीरपैंती प्रखंड के झुरकुशिया गांव में नवकुंडीय शक्ति महायज्ञ को लेकर बुधवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान यज्ञपाल संत त्यागी जी महाराज के तत्वावधान में महायज्ञ की शुरुआत हुई, जो 10 नवंबर से शुरू होकर 18 नवंबर तक चलेगा। बता दें कि महायज्ञ की पूर्णाहुति 18 नवंबर को होगी, जबकि यज्ञ के जलभरी यात्रा का शुभारंभ कहलगांव विधायक एवं पीरपैंती के पूर्व विधायक अमन पासवान ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वहीं महायज्ञ को लेकर बाल संत त्यागी जी महाराज ने बताया कि ये उनका 143वां यज्ञ है और उनका संपूर्ण जीवन यज्ञ को समर्पित है, जबकि उन्होंने 591 यज्ञ के लिए प्रतिज्ञा भी की है। इधर शोभा यात्रा में सरपंच संघ अध्यक्ष वरुण गोस्वामी, मुखिया संघ अध्यक्ष झुंपा सिंह, पंकज शाह, पंकज सिंह सहित काफी संख्या में झुरकुशिया वासी और श्रद्धालु मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में संचालित अवैध डिपो पर खनन अधिकारियों ने की छापेमारी, पत्थर माफियाओं पर दर्ज होगा मुकदमा। पुलिस जिला नवगछिया में अपराधी बेखौफ, दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, हालत गंभीर।
आपसी विवाद के कारण पिता ने दो बच्चों की पीट पीट कर की थी हत्या। एसपी ने किया मामले का खुलासा। भोलानाथ फ्लाईओवर में पहुंच पथ की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने डीएम कार्यालय का किया घेराव। कहा मांग नहीं हुई पूरी तो करेंगे उग्र आंदोलन। और गायकनोलॉजी सोसाइटी का 3 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन 11 नवंबर से होगा शुरू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।